हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू अर्निंग अपडेट्स चैनल। आज की इस वीडियो में आपको वो हैंगिंग के 6 खुफिया ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होगा। और अगर हैंग होता है तो ये सेटिंग आप कर लेना, 100% वर्किंग है, क्योंकि ये सेटिंग मैंने मेरे मोबाइल में भी कर रखी है। क्योंकि मैंने जब नया नया मोबाइल ख़रीदा था, मैंने MI Note 6 Pro का मोबाइल ख़रीदा था, 3 महीने बाद ही वो बहुत ज़्यादा हैंग होने लग गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मेरे दोस्त ने ऐसी 6 सेटिंग बताई जिसकी मदद से आज मेरा मोबाइल कभी भी हैंग नहीं होता है। अब भले कितने भी अनाप शनाप ऐप्स भर रखे हैं, मैंने 150 से ऊपर ऐप्स भर रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मोबाइल हैंग नहीं हो रहा है। तो आज वो ट्रिक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो वो ट्रिक देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, केवल 7-8 मिनट की वीडियो है और आपका मोबाइल झटपट से ठीक हो जाएगा। चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और बताते हैं उस ट्रिक के बारे में। सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर। जी हाँ दोस्तों, मैं सही सुना आपने, आपको जाना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैट आएगा, चैट पे आपको क्लिक करना है और चैट बैकअप पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बैकअप टू गूगल डिवाइस, इस पर आपको क्लिक करके ओनली व्हेन आई टैप बैकअप पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे डेली, वीकली या मंथली लिखा हुआ होगा तो आपको ओनली पे ही क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई दूसरे ऐप चलाते हो व्हाट्सएप के अलावा कोई दूसरा ऐप, तो ये आपका व्हाट्सएप अपने बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से आपके दूसरे ऐप की परफॉर्मेंस ख़राब होती है और आपका मोबाइल जल्दी से हैंग होने लग जाता है। इसको आपको सिर्फ ऑनली करना है और आपका मोबाइल के 20% हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ऑनली कर रखा है ऑलरेडी। अब चलिए मैं आपको दूसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। अब आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेट, तो यहाँ पे आपको सेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑटो सेट डाटा को ऑफ कर देना है। ये आपका हमेशा ऑन रहता होगा, तो इस तरीके से इसको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और बैकग्राउंड में कोई अदर एड वगैरह या फिर दूसरे कोई अच्छा है ऐप्स नहीं आएंगे। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया है। अब चलते हैं तीसरी सेटिंग पे। यहाँ पे आपको जाना है यूट्यूब पे, और YouTube पे जाने के बाद वो डाउनलोड्स पे जाना है। आप पहले देख लीजिए, अगर आपकी कोई वीडियो जो आपने डाउनलोड की है अगर वो काम की नहीं है, पहले काम की थी लेकिन अब काम की नहीं है, तो आप उनको डिलीट कर देना। क्योंकि अगर आप इनको डिलीट नहीं करोगे तो YouTube हर 29 दिन में इसको री डाउनलोड पर लगा देता है, जिससे ऑटोमेटिक ये वीडियो वापस डाउनलोड होने लग जाती है और आपका मोबाइल फिर से हैंग होने लग जाता है, फिर से आपका स्टोरेज बढ़ने लग जाता है और आपकी परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जो आप वीडियो देख लो और जो अभी काम की नहीं है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। चलिए अब मैं आपको एक और सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। जाना है आपको मोबाइल सेटिंग में और जाना है आपको अबाउट में, और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है MIUI वर्जन पर। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपके बुलेट नंबर शो होगा, उस पर आपको 5-6 बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में और डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पे ढूंढना है। ये रहा डेवलपर ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे नीचे लास्ट में जाना है और यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल का ऑप्शन आएगा, इसको आपको 0.5x पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल आएगा, इसको भी आपको 0.5x पे क्लिक कर देना है, और इसके नीचे एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल को भी आपको 0.5x पे क्लिक कर देना है। इससे आपका मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो भी ऐप्स, पार्टिकुलर ऐप्स आप ओपन करोगे वो जल्दी से ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं प्ले स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ओपन हो गया। ये देखिए मैं कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये कैलकुलेटर भी फटाफट से ओपन हो चुका है। ये कैमरा मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये कैमरा भी मेरा फटाफट से ओपन हो चुका है। तो ये इसके मदद से ये सब काम होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक और खुफिया सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन शो होगा स्टोरेज। तो मेरा MI का मोबाइल है तो स्टोरेज मेरा यहाँ पर ही आ रहा है, आपको इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा कैश डाटा। इस कैश डाटा पे क्लिक करके इसको आपको क्लियर कर देना है, क्योंकि ये कैश डाटा हमारे कोई भी काम का नहीं होता है। ये कैश डाटा में हम जो भी ऐप को चलाते हैं उस ऐप की परफॉर्मेंस यहाँ पे स्टोर होती रहती है, जो अपने कोई भी काम की नहीं होती है। तो ये कैश डाटा आपके GB में होगा, 2 GB, 3 GB, तो इसको ओके करके क्लियर कर दीजिए और फिर आप अपने स्टोरेज को देखना, आपका स्टोरेज ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये इसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग भी नहीं होगा और आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब एक और लास्ट सेटिंग है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऑटो अपडेट ऐप। इसको आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप पे क्लिक करके रखना है, क्योंकि आपके प्ले स्टोर में ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं और नए नए ऐप्स आते रहते हैं, वो भी अपडेट होते रहते हैं। तो आपको इसको डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करके रखना है, जिससे आपका मतलब ये ऑटो अपडेट नहीं होवे और आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहे। तो इसको डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर देना है। और ये सब सेटिंग हो जाने के बाद आपको इस मोबाइल को 2 मिनट के लिए रीस्टार्ट करना है। ये सब सेटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे आपको रिबूट पे क्लिक करना है और वापस आपको ये मोबाइल चलाना है। और अब आप देखना कि ये मोबाइल आप रॉकेट के जैसे तेज चलेगा और बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। मैं मेरे मोबाइल में पबजी खेलता हूँ, लूडो खेलता हूँ और दूसरे भी गेम्स खेलता हूँ, तब भी मेरा मोबाइल 1% लैग नहीं करता है। तो और अगर आपके साथ भी अगर यही होगा तो प्लीज़ वापस इस वीडियो पे आइए और सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जाइए कि सर ये मेरी मोबाइल की हैंगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इससे मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं नई नई वीडियो इस चैनल पे लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।